अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बखैर आफियत से हैं। नाजरीन मोहतरम, आज हम अपने गांव में सुबह की सैर करने के लिए निकले हैं। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे भी मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटेड हैं, और हम घूमने फिरने के लिए निकले हैं। और हमारे गाँव में जो ना सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो ना फोग पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे गांव के अंदर सुबह तुलू होने के मनाजर हैं। ये आप देख सकते हैं कि सूरज तुलू हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। और बच्चे यहाँ पर जो ना सुबह की सैर करने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि आप सुबह की सैर कर लें, चल फिर लें, खेत कूद लें, क्योंकि सुबह की सैर जो होती है वो इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे इंसान मेंटली तौर पर और फिज़िकल तौर पर फिट रहता है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा अहमद मुजाहिद भी सुबह की सैर के लिए आया है, और ये अपनी बहनों के साथ सुबह की सैर कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खेलने के बाद बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँगा। चलो बच्चों खेल लो। तो दोस्तों सुबह का मौसम जो है ना काफ़ी सुहाना हुआ हुआ है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मनाजर हैं। और मेरी बैक साइड पर ये आप देख सकते हैं कि किस कदर धुंध पड़ी हुई है। और हम सुबह की सैर कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। गांव की ज़िंदगी जो होती है बड़ी ही पुरसकून होती है, क्योंकि ताज़ा आबो हवा होती है और हर चीज़ यहाँ पर जो ना गांव के अंदर खालिस मिलती है। किसी किस्म की कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होती और बहुत ज़्यादा हम जो ना इंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे गाँव के अंदर पानी के लिए खाला बनाया है, उसके ऊपर ये पुली बनाई हुई है, तो इस पर बच्चे बैठे हुए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, सुबह की ताज़ा हवा ले रहे हैं और पुरसकून हो रहे हैं। और ये जी हमारे गांव के अंदर मकई की फसल, ये आप देख सकते हैं किस पर जो ना छलियाँ जिसको भुट्टे बोलते हैं वो लगी हुई हैं। तो ये अभी थोड़ी सी कच्ची है, और इसके साथ ही सड़क के दूसरी जानब यह भी मकई की फसल लगी हुई है, यह अभी पक चुकी है। तो थोड़े दिनों के बाद इसको काट लिया जाएगा और छलियों से जो है ना दाने निकाल कर रख लिए जाएंगे, फिर इनको फरोख्त किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत फिजा है और खूबसूरत मंजर है। हम सुबह की सैर कर रहे हैं बाइक पे, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे गांव के मनाजिर हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हमारा गाँव। बाइक पर बैठा हुआ है, सुबह की ताज़ा हवा ले रहा है और बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है, खुश है और एक्साइटेड है, क्योंकि ये सुबह की सैर करके ताज़ा दम हो गए। और ये बच्चे भी पीछे बैठे हुए हैं, ये भी सुबह की सैर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना बच्चों? कौवा भी सुबह की सैर कर रहा है जनाजरी। तो दोस्तों ये है जी हमारे गाँव में ट्यूबवेल। ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ और प्यारा पानी है जी। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ना बच्चे पानी थोड़ा सा पी लेंगे और अपना मुंह धो लेंगे, फिर इनको तैयार करके जो है ना स्कूल में मैं छोड़ के आऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि मनाइल जो है ना पानी भी पी रही है और अपना मुंह भी धो रही है। तो ये छोटी इनसे गुज़रा नहीं जा रहा, तो इनको मैं गुजारता हूँ। मिठू आपने भी मुँह धोना है, चलो आ जाओ फिर। तो ये दोनों बहनें यहाँ पर बैठी जो नहीं मुँह हाथ धो रही हैं, और वो मनाइल फातिमा उधर बैठी जो ना मुँह हाथ धो रही हैं। तो मुँह हाथ ये धो लेती, पानी वगैरह पी लेती हैं। टूवल की सहर। जल्दी धो लो, जल्दी धो लो।
तो दोस्तों बच्चों ने पानी यहाँ पर ट्यूबवेल से पी लिया, मुँह हाथ भी धो लिया। अभी मैं इनको लेके जाता हूँ जी घर, फिर घर चल के ये तैयारी करेंगे स्कूल की, तो इनको स्कूल छोड़ के आएंगे। चलें बच्चों। दोस्तों मिनाइल फातिमा जो है ना वर्दी पहन कर तैयार हो चुकी है, इसने अपना बैग भी उठा लिया, तो इसको अब हम जो ना स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि उम्मे अबीबा भी तैयार हो चुकी है, इसको अभी मैं स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और अलीबा फातिमा भी तैयार हो चुकी है, इसको भी स्कूल लेके जा रहा हूँ। और ये उम्मे अबीबा भी बैठ गए हो। हाँ। चलें। दोस्तों अरीबा और मिठू जो है तैयार होकर आ चुकी हैं, अभी इनको मैं स्कूल के पास ले आऊँ। अभी ये जाने लगी स्कूल, इनको जी ना मैं खर्चा दे देता हूँ ताकि ये खुशी खुशी से स्कूल में रहें। ये लो, ये 10 रुपये मिठू के हैं और 10 रुपये आपके हैं, ठीक है। चलो स्कूल आ जाओ, चलो चलो चलो। ये है जी इन बच्चों का स्कूल, और इनको अभी मैं स्कूल में छोड़ने लगा।